आज मौसम काफ़ी अच्छा था, बादल बने हुए थे, तो मैंने सोचा छत पर जाकर कुछ सीन दिखाई जाए आपको। तो दोस्तों ये सीन देख रहे हैं आप, चेक करें सीन, लोकेशन चेक करें आप बस। एक मंथ से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन को और एक्टिविटीज़ बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो सोचा कि क्यों ना क्रिएटिव किया जाए और आप सबके साथ शेयर किया जाए, हमारी क्रिएटिविटी चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अरसलान और आप देख रहे हैं अली चौन व्लॉग। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग, बट बिफोर वी कंटिन्यू मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो भाइयों आज का व्लॉग होने जा रहा है बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़े का, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं बनाऊँगा अफ्तार और मज़े मज़े की डिशेज, आपसे अपनी रमज़ान की सीक्रेट रेसिपी शेयर करूंगा। मेरी सीक्रेट रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। चले आएँ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मार्केट जाएंगे और मार्केट से जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम ख़रीदेंगे। चले आएँ मार्केट चलते हैं। इसमें वो छोटे वाले नहीं है, एक छोटे वाला बड़े वाला पीछे एक ग्रीन भी डिब्बा दे दें और माइनस छोटा पिछले दिन पिछले दिन में छोटा पड़ा होता है क्या चीज़ माइनस नहीं नहीं कॉकटेल का कॉकटेल वो ख़त्म हो गया पहले दोनों के साथ नहीं है कचौरी में आलू और चिकन डालते हैं। आलू और चिकन डालते हैं और बनती कैसे है? मैदा कितना ये वो सब ये देखें कचौड़ी है, इसको ऐसे इतनी सॉफ्ट है, इतनी अच्छी है, इनकी बहुत मशहूर कचौड़ी है। ये देखें इसमें चिकन इन्होंने डाला हुआ है और भी एक दो चीज़ें डाली हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी है। तो ये इतनी छोटी दोस्तों हमने अफ्तार की चीज़ें ले ली हैं, बारिश फिर से तेज़ होगी, इससे पहले बारिश और ज़्यादा तेज़ हो जाए चलते हैं घर और अफ्तारी की तैयारी करते हैं। दोस्तों हम अफ्तारी का सारा सामान ले आए हैं, आज मौसम बहुत ही अच्छा था तो हमने सोचा कि सारा सेटअप गार्डन में ही करते हैं, चले हैं अफ्तारी की तैयारी करते हैं। बात
सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रूट सैलड। आइए देखते हैं फ्रूट सैलड के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। मायोनीज, कॉकटेल, क्रीम, बनाना, एप्पल, इसमें और भी चीज़ें डलती हैं जैसे ग्रेप्स हो गया, लेकिन वो आउट ऑफ सीज़न है। सबसे पहले हम फ्रूट को कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें मिला लेंगे। अब हम एप्पल को कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड सैलेड के लिए हमने फ्रूट कटिंग कर लिया है, सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आइए चलें सैलेड तैयार करते हैं। पहले हम क्रीम डालेंगे उसमें, ठीक है, उसके बाद हम मायोनीज डालेंगे, 2 टीस्पून डालनी है, ठीक है, उसके बाद हम सिरका डालेंगे और ब्लैक पेपर डालेंगे, फिर उस पर कॉकटेल डालेंगे, एप्पल, साथ हम मैक्रोनीज डालेंगे, साथ बनाना डालेंगे, ठीक है। चलें आइए फ्रेंड्स तैयार करते हैं सैलेड। फ्रेंड्स इसको ये देखें, क्रीम सारी हमने इधर डाल दी है। डाल दी तो अब हम इसमें डालेंगे मायोनीज, 3 स्पून मायोनीज की डालेंगे, 1, 2, 3, ये 3 हमने स्पून डाल दिए। तो अब हम इसके बाद हम लेंगे सिरका, सिरके के हम 2 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी, 2 टीस्पून डालनी है बस, 2 टीस्पून डाल लिया है। और इसके बाद हम लेंगे क्रश हुई शुगर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी हमने 2 टीस्पून डालनी है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि फ्रूट्स की अपनी होता है, मीठा होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने डाल लिया। इसके बाद हम लेंगे ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर की हमने लेनी है 2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालना ब्लैक पेपर, आप लोगों ने डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, अच्छे से मिला लेंगे। अब हम सेब डालेंगे, कटिंग हुए जितने भी हैं ये डाल लिए हमने, सेब डाल दिए सारे। इसके बाद बनाना डालेंगे हम, बनाना भी डाल लिया। मैक्रोनीज लिए हमने एक बाउल में, अब वो डाल देंगे हम, वो भी डाल दिए। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेरा बोल थोड़ा सा है छोटा है, तो आप ज़रा बड़े बोल में मिलाइएगा ताकि फ्रूट सही तरीके से ना मिक्स हो जाए फ्रेंड्स। कॉकटेल डालेंगे फ्रूट, तो डाल के सारे का सारा, तो अब हम इसको हिला लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बर्तन थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए सही ये मिक्स नहीं हो रहा, तो काइंडली ज़रा आप ना बर्तन थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा ताकि फ्रूट सही तरीके से ना मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट सैलड को हमने बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट सैलड हमारा तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे चिकन पकौड़ा। चिकन पकौड़े के लिए हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है आइए देखते हैं। हमने लिया है 1/2 kg चिकन, चिकन को छोटे छोटे पीसीस में काट लेंगे हम लोग। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, नमक, हल्दी, कुटी मिर्च, गर्म मसाला, खुश धनिया, जवैन और बेसन। सबसे पहले हम बाउल में चिकन डाल देंगे, ये डाल लिए। अब इसके बाद हम 2 टीस्पून बेसन की डालेंगे, 1 स्पून लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट का डालेंगे, और अब हम कुटी मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, और हल्दी बिल्कुल नॉर्मल सी लेनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। गरम मसाला ले लेंगे 1 टीस्पून, जवैन लेंगे थोड़ी सी, जितनी हल्दी डाली है उसके मुताबिक डालनी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम खुश्क धनिया लेंगे, इसको हम हाथों पे 1 टीस्पून कर लेंगे या थोड़ी सी ऊपर, इसको हम क्रश कर लेंगे ऐसे करके, फिर हम इसको उसके ऊपर डाल देंगे।
अब हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसको इसमें डाल लेंगे चिकन में। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं डालना, इतना ही डालना है कि इसमें सारा मिक्सचर हल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पकौड़े का मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गया है। तो आएँ अब चिकन पकौड़ा बनाते हैं। दोस्तों चिकन पकौड़े के लिए अब हम ऑयल डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल डाल दिया। दोस्तों अब हमने ऑयल डाल लिया। अब ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो गया फिर हम अपना चिकन वाला जो मिक्सचर है वो हम इसमें डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें चिकन पकौड़ा डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन अच्छे तरीके से पक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पकौड़ा हमारा तैयार हो गया है और बहुत ही मज़े का बना है। दोस्तों हम बना रहे हैं दो किस्म की ड्रिंक। तो पहली ड्रिंक है वाटरमेलन और इसको मुकम्मल नाम है वाटरमेलन स्लैश, और दूसरी ड्रिंक वो मेरी सीक्रेट है, वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। वाटरमेलन ले लें, ठीक है, जितना आपको चाहिए। साथ लेमन एक कटा हुआ ले लें, ठीक है। साथ बर्फ़ क्रश हुई ले लें, और साथ ब्लैक सॉल्ट ले लें, साथ ब्लैक पेपर ले लें, शुगर ले लें, और पानी ले लें जितने आपने गिलास बनाने हैं। और अगर आपका वाटरमेलन रेडिश है तो उसके लिए रूह अफ़ज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा रेडिश नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डालूंगा ताकि इसका कलर रेड आ जाए, ठीक है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम डालेंगे इसके अंदर वाटरमेलन, ठीक है। तो ये वाटरमेलन डाल गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, जितना आपने गिलास जितने बनाने हैं तो उस लिहाज से हम पानी डालेंगे इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम डालेंगे बटर, ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे ब्लैक पेपर। इसके बाद हम डालेंगे शुगर डालेंगे, जितनी आपके घर शुगर यूज़ होती है उतनी डालिएगा, ठीक है, क्योंकि वाटरमेलन की अपनी शुगर होती है, वो ख़ुद बहुत मीठा होता है वाटरमेलन। और साथ हम डालेंगे इसके अंदर रूह अफ़ज़ा फ्रेंड्स, रूह अफ़ज़ा डालेंगे, जितना आपको ज़रूरत है उतनी डालें, ठीक है फ्रेंड। और अब हम डालेंगे लेमन इसके अंदर। ये डाल गया लेमन फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर बर्फ़। इसके अंदर बर्फ़ ज़्यादा डालनी है, स्लश पीने का फिर ही मज़ा आता है फ्रेंड्स, ठीक है। स्लश बर्फ़ के बगैर नहीं चलता, तो इसलिए इसके अंदर जितनी बर्फ़ हो सके उतनी कम है। डाल लिया और अब हम इसको बनाएंगे फ्रेंड्स। दोस्तों हमने सारी चीज़ें इसमें डालनी है। अब हम इसको जूसर में ग्राइंड करते हैं, बनाते हैं। तो ये हमारा स्लैश बन रहा है, ठीक है। तो इसे 1 या 2 मिनट्स इसको ग्राइंड होने देना फ्रेंड्स, ज़्यादा ग्राइंड नहीं होने देना है, क्योंकि ज़्यादा ग्राइंड करेंगे बर्फ़ मेल्ट हो जानी है और पतला पानी बन जाएगा। इसलिए हमने इसको इतना ग्राइंड करना है कि ताकि ये स्लश सही बने। अब हम इसको बंद कर देते हैं फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स, ये स्लश तैयार हो गया हमारा। ये अभी इतना रेडिश नहीं है क्योंकि रूह अफ़ज़ा इसमें कम है। तो अब हम इसमें और रूह अफ़ज़ा शामिल करेंगे ताकि इसका कलर सही रेड आ जाए, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर ये थोड़ा सा जो मैंने बचाया था इसके अंदर अब हम और रूह अफ़ज़ा शामिल कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें अब हम रूह अफ़ज़ा फ्रेंड्स ज़्यादा डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे, शुगर डाल देंगे इसमें, ब्लैक पेपर और लेमन, और साथ अब हम इसमें बर्फ़ डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए ये सही रेडिश
है क्योंकि हम उसके अंदर रूह अफजा ज़्यादा डाला है, उसके अंदर हमने रूह अफजा कम डाला था। लेकिन ये याद रखिएगा स्लैश जितने भी बनने हैं उसके लिए बर्फ़ की लाजमी ज़रूरत है, बर्फ़ के बाद स्लैश इनकम्प्लीट है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड देखें ये बन गया स्लैश हमारा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तैयार हो गया स्लैश। दोस्तों हमने एक ड्रिंक तैयार कर ली है, वाटरमेलन स्लैश। और अब मैं आपसे सीक्रेट रेसिपी जो है मेरी वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और वो आप बनाते हैं, तो वो है ऑरेंज स्लैश। आइए चलें देखते हैं ऑरेंज स्लैश में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले हमें टैंक चाहिए, टैंक हम डालेंगे, फिर हम पानी डालेंगे, शुगर डालेंगे, फिर लेमन, आइस और ब्लैक पेपर डालेंगे, और साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। ठीक है, तो ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। तो आए चलें बनाते हैं दोस्तों। ऑरेंज स्लैश बनाने के लिए हमें टैंक की ज़रूरत है, वाटर चाहिए, शुगर चाहिए, ब्लैक सॉल्ट चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, क्रश हुआ आइस चाहिए और लेमन चाहिए। तो अब हम पहले डालते हैं इसमें दोस्तों, इसमें हम डालते हैं टैंक, डालते हैं टैंक उतना डालना है जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है, जितने आपने गिलास बनाने हैं, मैंने तो 5-6 गिलास बनाने हैं, तो टैंक डाली हमने। तो अब हम इसके बाद हम इसमें वाटर डालेंगे, वाटर उतना डालना है जितने आपने गिलास बनाने हैं। ठीक है फ्रेंड, ये भी डाल लिया। फिर इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून डालनी है नमक की, ब्लैक सॉल्ट की। ठीक है फ्रेंड, ये भी डाल ली, और चीनी डालनी है अब इसके बाद। चीनी आप उतनी डालें जितने आपके घर में पी जाती है, मेरे घर में तो चीनी ज़्यादा पी जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़रा थोड़ी सी एक्स्ट्रा डालता हूँ। तो अब इसमें हमने डाले फ्रेंड्स लेमन डाली है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अब हम लेमन निचोड़ के डालेंगे, और अब अभी इसमें आइस डाल देंगे सारी, ये भी डाल दिया, और ब्लैक पेपर डालेंगे थोड़ा सा जितनी आपको ज़रूरत है। तो अब हम इसके बाद इसको हम जूसर में बना लेंगे फ्रेंड्स। तो स्लैश तैयार हो रहा है, और ये रेसिपी इतनी अच्छी है, ये आप लोग अपने घर में ट्राई कीजिए, और ये आपके सब घर वालों को अच्छी लगेगी, और इससे एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, और ये लाजमी ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी कमेंट करके मुझे बताना है कि हमने घर में बनाई और हम सबको अच्छी लगी है। और ये रेसिपी बहुत ही मेरी सीक्रेट है जो मैंने आज आपसे पर्सनल शेयर की है। दोस्तों ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है स्लैश की, ऑरेंज स्लैश इसका नाम है। तो ये है हमारी स्लैश की रेसिपी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तैयार हो गया है माशाल्लाह से, और अब अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो अब मिलके बैठ के अफ्तारी करेंगे। और ये है मेरे कज़न जवाद हैदर। क्या हाल है जी? ठीक है सब भाई, सेहत भी ठीक है। अफ्तार हो गया है, चले आए, दुआ मांगते हैं। नहीं गिलास नहीं नहीं ले आते हैं और बैठो। दोस्तों अब हम चिकन पकौड़ा ट्राई करते हैं अपने, ये ले आप भी, टेस्ट करें कैसा है। चिकन पकौड़े को आप पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और साथ इमली की चटनी भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। कैसा बना सर? बहुत टेस्टी है, टेस्ट करो। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, सॉफ्ट बना है, और बहुत ही इसके अंदर जो मसाले हैं ना वो बहुत ही अच्छे जज़्ब हो गए हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत यमी बना है, ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने, और कुकिंग इनकी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। फंटास्टिक,
बहुत ही यमी बना है, बहुत ही टेस्टी है और ठंडा भी है। रेशन सैलेड ठंडा खाने वाला होता है, गर्म खाने वाला नहीं होता, सही चिल हुआ हो वो मज़ा देता है। दोस्तों ये था मेरा आज का अफ्तार व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी ओरिजिनल स्क्रैच रेसिपी अच्छी लगी है तो उसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।